अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन करनी है, सेकंड एप्लीकेशन करनी है किसकी, ग्रीन थ्योरम की। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ग्रीन थ्योरम बुक, कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैथमेटिकल एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक है, फॉरन आर्थर की 10th एडिशन, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो इस पर लेक्चर था वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, एक एग्जांपल के साथ सॉल्व किया गया, तो अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो वो देख लें। सेकंड वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को किया, एरिया फाइंड किया किसका, प्लेन रीजन का एज ए लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री, लेकिन इसमें भी एरिया ही फाइंड करना है प्लेन रीजन का इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसकी फॉर्म में होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेट का लिया है आर एंड डीटा, ये हमें पता पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कैसे डिफाइंड होते हैं ये भी हमें पता है, ये हम चीजें जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो डी एक्स और डी वाई हमने फाइंड कर लिए सिंपली, ये लिख लिया, इसकी जरूरत तो नहीं है, मैंने लिख दिया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ये फार्मूला बनता है एरिया का, वन बाय टू लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज कर और स्केयर डी थीटा। ये कैसे बनता है देखें जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जब करते हैं आप, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जब करते हैं तो ये आर स्केयर वाला आ जाता है। तो ये वो सारा काम करना पड़ता है पीछे, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो वर्क है ऐसे ही एज इट इज। पहले अपने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, फिर इनको कंपेयर करना है, एरिया के फार्मूला बन जाना है। तो ये गिवन है फार्मूला, तो ये फार्मूला है वन बाई टू आर स्केयर डी थीटा, इसे रिमेम्बर रखना है। ये फार्मूला आज हम यूज करेंगे और इसकी सेकेंड जो एप्लीकेशन है इसे कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे जो एग्जांपल थ्री है। एग्जांपल थ्री में वो कह रहा है जी हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसका आर हमें गिवन है, ये इसका आर है। ये ना भी गिवन हो तो हमें पता होता है कि आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट जीरो से टू पाई ही होती है। तो एरिया फाइंड करना है और स्केयर है, वन बाई टू आ गया, जीरो से टू पाई लिमिट होगी, ए स्केयर वन माइनस कॉस उसके, ये डी थीटा फार्मूला बन गया। ये इसके जो कांस्टेंट है से बाहर लिख लिया, तो इस फार्मूले को ओपन कर लिया, वन हो गया कॉस स्केयर प्लस कॉस स्केयर माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये फार्मूला बन गया, फार्मूले को हमने ओपन कर लिया, ये फार्मूला ही होता है। इसे ओपन कर लिया, तो इसे ओपन किया तो ये हमारे पास वन की हमारे पास थीटा आ जानी है, इंटीग्रेशन तो जीरो से टू पाई हमने पुट कर लेनी है। कॉस स्केयर थीटा की मैंने पीछे जो फर्स्ट इसका लेक्चर है उसमें कॉस थीटा जो है ना इसकी इंटीग्रेशन कराई हुई है, जीरो से टू पाई लिमिट थी, कॉस स्केयर टी था और डी टी था, ये सेम है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास पाई आई थी। अगर आपको समझ नहीं तो वो देख लें लेक्चर। तो पाई आ गई माइनस कॉस थीटा की, हमें पता है ये साइन थीटा बन जाता है, तो साइन में जब जीरो टू पाई पुट करते हैं जीरो आता, तो ये जीरो हो गई। तो इधर पुट की वैल्यू तो टू पाई प्लस फाइव, ये थ्री पाई बन गया, ए स्क्वायर टू बाय ले ही लिखा हुआ थ्री पाई, तो ये इसका आंसर बन गया, ये हमारे पास एरिया बन गया, कोऑर्डिनेट का एरिया क्या बना है, ए स्क्वायर बाय टू थ्री फाइव। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थ्री सॉल्व होती है, एप्लीकेशन टू कंप्लीट होती है इसी के साथ। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, 10.4 के क्वेश्चन 10 जो पहले हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और पॉजिटिव नेगेटिव आप फीडबैक दे सकते हैं।